नमस्कार दोस्तों, मैं उस उम्र में आप सबका स्वागत करता हूँ चलो पढ़ाई करते यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग हो चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। टॉप 20 प्रश्नों को हम इसी वीडियो में आज की इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है, जो पूरा PDF है, इस पूरे PDF को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। आप इस PDF का लिंक गिवन है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी कर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मयूर सिंहासन था वो किसने बनवाया था। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहाँ। मयूर सिंहासन जो था वो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, इसको सही उत्तर है शाहजहाँ। फिर बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मयूर सिंहासन उसको बनाने वाले कलाकार जो हैं, मयूर सिंहासन को जिसने बनाया वो एक कलाकार है, उसका नाम क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकंड में, हाँ ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम था बादल खां। तो हम कह सकते हैं मयूर सिंहासन को बादल खां ने बनवाया था। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन अधिकतर आप 60-70% ले सकते हैं कि लोगों को नहीं पता है। शाहजहाँ जो है उनका बचपन में क्या नाम था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्रम शाहजहाँ के बचपन का नाम था। तो शाहजहाँ को बचपन में खुर्रम कह के पुकारते थे, आप जो भी बोल सकते हैं, शाहजहाँ को बचपन में खुर्रम कहते थे, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्रम, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। फिर बाद में नेक्स्ट है, शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो शाहजहाँ हैं उनकी बेगम थी, बीवी थी, पत्नी थी, जो भी आप बोले, शाहजहाँ की बेगम, मुस्लिम में पत्नी को बेगम कहते हैं, तो शाहजहाँ की बेगम जो है उनका क्या नाम था? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुमताज। शाहजहाँ की पत्नी या फिर बेगम का नाम था मुमताज। वैसे अपने को मुस्लिम के लिए हम यूज़ ले रहे हैं, इसलिए अपने को बेगम ही बोलना चाहिए, वरना अगर हिंद बावती बाकी तो पत्नी बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमों में पत्नियों को बेगम कहते हैं। तो शाहजहाँ की जो पत्नी है उनका नाम हो जाएगा मुमताज, या फिर आप कह सकते हैं शाहजहाँ की बेगम का नाम हो जाएगा मुमताज, हो जाएगा नहीं, मुमताज ही है, शाहजहाँ की बेगम का नाम मुमताज है। तो बेगम में कन्फ्यूज मत होइएगा, बेगम पत्नी है, मतलब बेगम का मतलब पत्नी है। तो शाहजहाँ की पत्नी का नाम है मुमताज, ठीक है। शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? तो अब इसमें माताजी का नाम पूछा गया कि जो शाहजहाँ हैं उनकी माताजी थी, उनका क्या नाम था? तो ताज बीबी बिल्किस मकानी, ये थोड़ा लंबा नाम हो जाएगा। तो बिल्किस मकानी आप देख सकते हैं, बिल्किस मेन है वैसे, तो बिल्किस मकानी बीबी, ये ताज बीबी, ये सब रहवा दो, बिल्किस मकानी ठीक है, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं, ताकि ये पूरा बड़ा नाम आपको याद करने में तकलीफ होगी, इसलिए मैंने आपको बताया आप सिर्फ ये बिल्किस मकानी इसके यहाँ तक का याद कर सकते हैं, ये ठीक है। बाकी ये जो भी ताज बीबी है ना, ये एक सेकंड, इसको कलर ग्रीन कलर में करते हैं, ये ताज बीबी जो है ना, इसको आप ना याद करें तो ही अच्छा होगा। बाकी आपको मेन बीबी याद रखना है, बीबी जो है वो ठीक हो जाएगा, बीबी ठीक मतलब बिल्किस मकानी ठीक है, बिल्किस मकानी ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या आपको याद रहे, कोई दिक्कत ना हो, फिर आप ऐसा ना कहें कि हमें नाम इतना बड़ा था इसलिए हमें याद नहीं आया। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, बिल्किस मकानी आप ये जो नाम है वो आप याद रख सकते हैं, ताज बीबी नाम याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्किस मकानी आप नाम याद कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे बिल्किस मकानी, ताज बीबी बिल्किस मकानी शाहजहाँ की माता का पूरा नाम था, पूरा नाम पूछे कोई तो ताज बीबी बिल्किस मकानी शाहजहाँ की माता जी का नाम था। और अगर कोई छोटा ऐसे ही पूछे कि शाहजहाँ की माता का क्या नाम है, तो बिल्किस मकानी आप कह सकते हैं, पूरा नाम ताज बीबी बिल्किस मकानी है। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मुमताज महल है
वो उस नाम से मशहूर होने से पहले, मतलब जो शाहजहाँ की जो पत्नी है वो उनको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, वो मशहूर है उनकी पत्नी मुमताज महल के नाम से। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया कि मुमताज महल के नाम के पहले से, मुमताज महल से तो अभी मशहूर है होने से, उसके इसके मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की जो पत्नी है उनका क्या नाम से पुकारा जाता था? मुमताज बेगम, मुमताज महल से वह अभी मशहूर है लेकिन उनको पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुमंद बानो। मुमताज महल के नाम से मशहूर शाहजहाँ की बेगम, मतलब शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल के नाम से मशहूर है लेकिन वह पहले अभी मुमताज महल के नाम से मशहूर है लेकिन वह पहले अर्जुमंद बानो के नाम से जानी जाती थी। तो ये देख लीजिए, अर्जुमंद बानो। और फिर उनको क्या पहले कहते, क्या कहते थे अभी क्या कहते हैं? मुमताज महल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया, मुमताज महल उनको अभी कहते हैं और जो पहले कहते थे वो था अर्जुमंद बानी और मुमताज महल उनको अभी कहते हैं, पहले अर्जुमंद बानो कहते थे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो इसमें पूछा गया कि जो जहांगीर है एक मुस्लिम है, जहांगीर का एक सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है शहरयार। अब इसमें पूछा गया कि जो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे हैं उसका नाम है शहरयार, अब उसकी शादी किससे हुई थी, किसके साथ हुई थी, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? नूरजहाँ के पहले, मतलब इस क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से, नूरजहाँ से उनकी शादी हो रखी है लेकिन नूरजहाँ से पहले पति से उत्पन्न पुत्री से उनकी शादी हुई थी। तो अभी हाल तो नूरजहाँ हैं, मतलब अब तो मर चुके हैं, अब क्या हम नूरजहाँ के पहले, नूरजहाँ तो बाद में उसके पहले पति से उत्पन्न, उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्री से उनकी शादी हुई थी। फिर नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है, शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो शाहजहाँ हैं उन्होंने किसकी सहायता ली और जो राजगद्दी थी उसको, जो राजगद्दी थी ये देखिए राजगद्दी थी उसको हासिल किससे किया? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी सहायता से शाहजहाँ ने राजगद्दी को हासिल किया? तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असाफ खां की सहायता से शाहजहाँ ने राजगद्दी को हासिल किया। ठीक है, शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो शाहजहाँ जब थे, जब शाहजहाँ का समय था तब मुगल के हाथ से कौन सी जगह जो है वो निकल गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार। कंधार जहाँ, जब शाहजहाँ का समय था उस टाइम कंधार जगह मुगलों के हाथ से निकल गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहाँ ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो उनकी राजधानी आगरा थी लेकिन उन्होंने अब अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। तो कहाँ परिवर्तित किया? शाहजहाँबाद पुरानी दिल्ली, यानी कि उसको पुरानी दिल्ली उसको हम कहते क्या हैं, उनको उसको हम शाहजहाँबाद भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा कि शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पुरानी दिल्ली शाहजहाँबाद कर दिया था। तो राजधानी कहाँ परिवर्तित हुई थी? शाहजहाँबाद पुरानी दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो लाल किला है जिसे बहुत ही मशहूर है, सब देखते आते हैं, और जो किला ए मुबारक है, लाल किला और किला ए मुबारक दोनों किले हैं, तो इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? दोनों जगह का निर्माण एक जने ने ही करवाया था, तो वो निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का निर्माण, लाल किला और किला ए मुबारक का दोनों का निर्माण एक जने ने कराया था, तो वो हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने लाल किला और किला ए मुबारक दोनों का, मतलब
शाहजहां ने लाल एक तो वायर को सीख हाँ शाहजहां ने लाल किला और किलाए मुबारक का निर्माण कराया था। दोनों जगह का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शाहजहां है उन्होंने अपनी बेगम के लिए मुमताज महल जो उनकी बेगम है उनके लिए उन्होंने एक मकबरा बनवाया था। तो मकबरा उन्होंने कहाँ बनवाया था, तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। शाहजहां ने अपनी अपनी बेगम मुमताज महल के लिए एक मकबरा बनाया था, तो वो आगरा में बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं। तो मुमताज जो महल है सबसे मशहूर मतलब मुमताज महल है वो जो शाहजहां की पत्नी है वो उनके जो मकबरे हैं जिन उन्होंने शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक मकबरे को बनाया था, तो वो किस नाम से अभी प्रसिद्ध है, तो वो है ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए उस मकबरे को बनाया था वो था ताजमहल। ताजमहल बनाया था मकबरे के तौर पे। तो ताजमहल अभी मशहूर है, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है तो कौन देखने जाएगा, पहले जाते थे, एक दो महीने पहले तक जाते थे, अब क्या पता जाते नहीं जाते वो मेरे को पता नहीं। तो ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक मकबरे को बनाया था, तो उस मकबरे का नाम है ताजमहल और ये मकबरा आगरा में है। आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ठीक है ऐसा कहते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा, तो जो ताजमहल है वो बनवाने में कितना समय लग गया था, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 साल। ताजमहल को बनाने के लिए पूरे 20 साल लग गए थे। 20 साल बाद इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी हुई थी, तो समय बहुत लगा था लेकिन इमारत बहुत खूबसूरत बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ताजमहल है उसका जो निर्माण कार्य है जब मतलब उसका जो स्टार्टिंग हुई थी मतलब उसका वो जब बनने लगा था तो वो निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 1632 ई में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे। तो ताजमहल के एक वास्तुविद थे, तो वो कौन थे, तो वो थे उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोनों ताजमहल के वास्तुविद थे। तो देखिए एक बार, उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दोनों, अब एक बार हम आपको समझा देते, ठीक है। तो ये दोनों ताजमहल के वास्तुविद थे, तो ठीक है। तो ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दोनों थे वास्तुविक, ताजमहल के वास्तुविक, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था। तो ताजमहल जब बनवाया था तो उसको बनाने में एक चीज़ इस्तेमाल की गई थी, तो वो थी संगमरमर। संगमरमर जो कहाँ से लाया गया था, तो मकराना राजस्थान, हमारे राजस्थान के मकराना से ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर लाया यूज़ किया गया था। तो संगमरमर हमारे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो इसमें आगरा जो जगह है वहाँ पे एक मोती मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पे एक मोती मस्जिद है। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मोती मस्जिद को किसने बनवाया, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शाहजहां। शाहजहां ने आगरे के मोती मस्जिद को बनवाया। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था। जो शाहजहां के समय पे एक फ्रांसीसी आया था उसका क्या नाम था, तो फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर, ठीक है इसको भी एरो करके समझा देते हैं। शाहजहां के समय में एक फ्रांसीसी आया था, तो मतलब शाहजहां के समय पर ना एक फ्रांसीसी आया था, ठीक है, फ्रांसीसी आया था, तो उस फ्रांसीसी कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक तो टवर्नियर और एक फ्रांसीसी बर्नियर और टवर्नियर शाहजहां के समय पे आने वाले
समय समय में आने वाले फ्रांसीसी थे। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे। तो शाहजहाँ का जो दरबार है वहाँ पे एक शाहजहाँ के दरबार में एक संस्कृत के भी पंडित थे। वहाँ पे अधिकतर मुस्लिम पंडित होते हैं लेकिन संस्कृत के पंडित भी थे, मुस्लिम होते हैं लेकिन अभी संस्कृत के पंडित भी थे। तो कौन थे मौजूद थे, तो वो थे कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। यह दोनों पंडित शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के पंडित थे जो काम करते थे। शाहजहाँ के दरबार में देख लीजिए संस्कृत के दो पंडित भी रहते थे, वो थे, एक बार इसको एरो करके अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि लास्ट ही तो है, एक तो कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित और कबींद्र आचार्य सरस्वती शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के पंडित थे, वो थे कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ हम हमारे इस वीडियो को करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक है, आप जाके वहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।